हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो उन सब बच्चों के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जिनके सीएस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के कल टेक्स्ट का एग्जाम है। ठीक है जी, आई होप आपका कोस्टिंग का एग्जाम अच्छा हो चुका है। कोस्टिंग का एग्जाम जैसा भी हुआ है, प्लीज भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर प्लीज उसकी डिस्कशन हम बिल्कुल मत करना। कमेंट बॉक्स में कोई कोस्टिंग के कमेंट अगर मुझे दिख गए, उस बच्चे से मेरी कट्टी हो जाएगी। आपका पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, उसको एक बार साइड रखो, पेपर को मंदिर में जाके रख दो, बात खत्म। अब आपके एग्जाम जैसे 5 बजे खत्म हुआ है, तो 5 बजे से लेकर आपके अगले दिन 1 बजे तक जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम को आपने मैनेज कैसे करना है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं सर। जिनका भी कल आपके टैक्स का एग्जाम है ओल्ड सिलेबस का, मैं उनकी बात करूंगा। न्यू सिलेबस वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं कि जिनके भी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पेपर कल है, तो उन्होंने सर आज 5 बजे के बाद से लेकर कल 1 बजे तक, मैं 2 बजे क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि 1 से लेकर 2 बजे तक आपका आने जाने का टाइम होगा, उसको आप एक बार छोड़ दो। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर 5 बजे तो हमारा एग्जाम खत्म हुआ है और हम 5 बजे पढ़ना कैसे स्टार्ट कर देंगे। आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैंने इस टाइम को कैसे अलग अलग बाइफरकेट किया है, और प्लीज सर इसको यूज जरूर करना, इसको यूज जरूर करना। देखो अगर मैं 5 से लेकर 1 बजे तक की बात करता हूं ना, तो टोटल आपके पास 20 घंटे भी बचे हुए हैं, 20 घंटे। अब 20 घंटे में से मान लो मैं 6 घंटे जो है वो सोने के निकाल रहा हूं, चाहे आप 5 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, मैं 6 घंटे मैक्सिमम लेके चल रहा हूं कि 6 घंटे ज्यादा कोई नालायक बच्चा ऐसा नहीं होगा कि अभी 6 घंटे से ऊपर भी सो रहा होगा। अब जो बड़ा 6 घंटे से ऊपर सो रहा है वो तो बिल्कुल ही नालायक है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ जो 6 घंटे की नींद है वो मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो टोटल आपके पास 14 घंटे बचे हैं। उस 14 घंटे में से आपका 2 घंटे आप रेस्ट के बाहर निकाल दो, इट मीन्स आपका आने जाने में कोई टाइम हो गया, चाय पानी खाने में कोई टाइम हो गया, 2 घंटे में रेस्ट के बाहर निकाल दिए, टोटल 12 घंटे जो है वो आपके इफेक्टिव पढ़ने में होने चाहिए। सर प्लीज ध्यान रखना, 20 घंटे में से सिर्फ मैंने 12 घंटे निकाले हैं, 8 घंटे मैंने आपको दे दिए। भैया आप चाहे खेलो कूदो सो जाओ खाओ पियो कुछ भी करो, उस 8 घंटों में करना, 12 घंटे आपने पढ़ना है। उस 12 घंटे को बाइफरकेट कैसे करना आपने, उस 12 घंटे को बाइफरकेट करना आपने, जो 5 घंटे हैं वो आपके लगाने हैं जीएसटी के ऊपर, और जो आपके 7 घंटे हैं वो आपने लगाने हैं इनकम टैक्स के ऊपर। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर इस 12 घंटे में हम सारा कंप्लीट कैसे रिवीजन करेंगे, आपको बताने जा रहा हूं। सर मैंने पहले भी कहा था कि 5 घंटे आपके जीएसटी के लिए दैट इज मोर देन सफिशियंट, इट मींस 5 घंटे में जो भी आपने जीएसटी के नोट्स मैंने क्लास में बनवाए हैं, जो आपने रिवीजन क्लास में बनाए होंगे, वो सारे के सारे नोट्स आपने 100% कंप्लीट करने हैं जीएसटी के, पहली बात तो ये। और जब वो नोट्स कंप्लीट होंगे ना, सिर्फ नोट्स कंप्लीट नहीं करने हैं, साथ में आपने एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज कौन से, जो मेरे जीएसटी की बुक है उसमें 500-600 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास जिस ऑथर की बुक है उसके एमसीक्यूज कर लेना। अगर वो टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम कम मिल पा रहा है, तो जितने भी एग्जाम पास्ट एग्जाम में हो चुके हैं, मतलब जितने भी आपके 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उनके जो जीएसटी के क्वेश्चंस है ना, उसको जरूर करके जाना। इट मींस मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मिनिमम लेके चलो, मिनिमम आपने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, उसके बिना एग्जाम में मत जाना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के फिर आपको दिक्कत आएगी। तो अभी तक आपने इतने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सर मैंने 5 घंटे बहुत बड़े दे दिए आपको, 4 घंटे में मैक्सिमम पूरा जीएसटी रिवाइज होगा, 1 घंटा आपने प्रैक्टिस में लगाना है, तो 5 घंटे में पूरा जीएसटी पैक कर दो। अब ये रात को करना है, सुबह करना है, वो आपके ऊपर है कि आपने टाइम टेबल कैसा बनाया, वो आपके ऊपर है, बट 5 घंटे आपने पूरे जीएसटी को लगाने हैं विद प्रैक्टिस, ये बात ध्यान देना। उसके बाद अगर मैं 7 घंटे की बात करूंगा, 7 घंटे में आपने इनकम टैक्स के नोट्स पढ़ने हैं। जिन बच्चों को मैंने क्लास में लिखवाए थे वो सारे क्लास वाले नोट्स पढ़ेंगे, जो बच्चे मुझसे क्लास नहीं ले पाए थे रिवीजन क्लास वाले नोट्स पढ़ लेंगे। मतलब आपने बुक इस टाइम कोई नहीं उठानी, बुक मत उठाना, सिर्फ जो भी आपके नोट्स होंगे सिर्फ आपने नोट्स रीड करने हैं, कोई भी नई बुक कोई भी नए नोट्स आपने इस टाइम पिक नहीं करने, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो 7 घंटे में आपने इनकम टैक्स के नोट्स पढ़ने हैं। अब इसके एमसीक्यूज करने का तो टाइम है नहीं, तो आपने पता क्या करना है, जो मेरी आई विद्या की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट है ना, मैंने 4-5 मॉक टेस्ट अपलोड की हैं, उसके एमसीक्यूज कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसमें सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं, 7 घंटे में इनकम टैक्स के नोट्स, मतलब ये देखे चलो कि 6 घंटे में पूरा इनकम टैक्स के नोट्स मुझे पढ़ने हैं, और 1 घंटे में प्रैक्टिस करनी है उन मॉक टेस्ट की जो मैंने आई विद्या की वेबसाइट पर अपलोड की है, इनकम टैक्स वाले, वो आपने सारे अच्छे से करने हैं। और एक बात और सुनो ध्यान से, सर जो मैंने इनकम टैक्स की लिमिट्स वाली वीडियो अपलोड की है ना, उसको भूल के मत इग्नोर कर देना, सर भूल के मत इग्नोर कर देना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज सर ये 20 घंटे का शेड्यूल मैंने बनाया है।
अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोस्टिंग की टेंशन छोड़ दो, कोस्टिंग एग्जाम बहुत अच्छा हो गया, जैसा भी हुआ बढ़िया मार्क्स आएंगे, उसको एक बार छोड़ के अब टेक्स्ट में हाईएस्ट मार्क्स लेके आने, आपको 90+ का टारगेट लेके चलना है। पेपर कैसा आएगा मुझे नहीं पता, मुश्किल आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमें मुश्किल आसान नहीं सोचना, हमें अपना बेस्ट देना है कि सर हमने अपना हार्डवर्क पूरा किया है, कल के एग्जाम में अपना बेस्ट लगा दूंगा, मुश्किल है तो भी आराम से करूंगा, आसान है तो भी आराम से करूंगा, जितना अच्छे से आता होगा पहले वो करूंगा, जितना नहीं आता होगा बाद में वो करूंगा, बीच में टेंशन बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बीच में पैनिक बिल्कुल भी नहीं होगा, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको आराम से छोड़ता जाऊंगा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पहले मैं करता जाऊंगा। ठीक है जी, आपने रिवीजन कैसे करनी है 20 घंटे में आपको बता दिया, ठीक है जी, 20 घंटे में 12 घंटे आपने पढ़ना है, 8 घंटे आपके पास है, कुछ भी आप कर सकते हो, 12 घंटे में 5 घंटे जीएसटी को लगाने हैं विद एमसीक्यूज, कम से कम 200 एमसीक्यूज आपने करने हैं जी, और 7 घंटे में इनकम टैक्स के नोट्स आपने पढ़ने हैं और मॉक टेस्ट आपने करने आई विद्या की वेबसाइट पर, उसमें 1.5 घंटा निकालकर लिमिट वाली वीडियो प्लीज जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं, अगर वो लिमिट्स आपको याद नहीं होंगी तो एग्जाम में आपको दिक्कत आ सकती है, इतनी बात ध्यान दो। तो बस इतनी सी बात मैं आपको यहां पर कहने के लिए आया था, और ये बात मेरी जरूर मान लेना सर, कल का एग्जाम जिनके भी ओल्ड सिलेबस के हैं सर, उन्होंने इस बार एग्जाम निकालने हैं, और प्लीज अपना बेस्ट देकर आना कि आपके पूरे ग्रुप का सबसे कल एक पेपर ऐसा है कि जो आपको निकाल के बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपकी तैयारी सही चल रही है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन अगर आपके माइंड में है उसको अभी निकाल दो कि भाई टेंशन तो दूर हो जा, टेंशन तो मेरे पास मत आ, अब मुझे तैयारी करने दे, मुझे कल का एग्जाम निकालना है, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना है, बात खत्म होती है। ठीक है जी, तो जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस के हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर बच्चे के पास व्हाट्सएप कर देना ये वीडियो कि पढ़ना कैसे है, शेयर कर देना, सर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि 12 घंटे हमें यूज कैसे करनी है, तो प्लीज आपने ऐसे यूज करने हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सर आप लाइव क्लास ले लो, नहीं सर मैंने इतनी सारी रिवीजन क्लास डाल दी, अगर मैं अब मैं लाइव लूंगा बीच में नेट चला गया, ये स्यापा पड़ गया, वो स्यापा पड़ गया, सारा टाइम वेस्ट होगा, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना सर, रिवीजन आपने वो सारी वीडियोस अच्छे से कर ली होगी, अब आपका टाइम है कि उस 5 घंटे में अपने जीएसटी कैसे रिवाइज करना है, आई होप हो जाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। ठीक है जी, बात समझ में आती है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम कैसा होगा एक बार आके मैसेज जरूर कर देना सर, और अगर आपके डाउट्स हैं, हाँ एक बार वो सुन लो ध्यान से, आज मैं पूरा दिन अवेलेबल रहूंगा, कल भी अवेलेबल रहूंगा, एक नंबर दे रहा हूं सर, एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे व्हाट्सएप करना क्योंकि दूसरा नंबर अभी मेरा चल नहीं रहा, 8010740800, इस पर आप व्हाट्सएप करोगे, इस पर आप व्हाट्सएप करोगे, और अगर आपको कॉल करनी है बड़ा डाउट्स है 9643033663, इस पर भी व्हाट्सएप चल रहा है, और आने वाले टाइम में आपका यही नंबर मेरा काम करेगा, ये नंबर मेरा बंद हो जाएगा 801 वाला, बट अभी 801 वाला भी चल रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करोगे, इस पर कॉल करोगे, आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है जी, कल भी आपके साथ रहूंगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं, बट ऐसा नहीं है बिना बात के डाउट्स, भाई हाँ भाई कोई पॉइंट अभी समझ में नहीं आ रहा, फटाफट से मैसेज कर दिया सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, और ये कई नालायक बच्चे अभी कल मैसेज आया है कि सर एजुकेशन से 4% लगेगा 3% लगेगा, उन बच्चों से मुझे बात ही नहीं करनी, मेरा चिल्ला चिल्ला के गला थक गया भाई, 4% जून के एग्जाम के लिए है, अगर उन्हें जून में एग्जाम देने हैं 4% बढ़ेंगे, दिसंबर में एग्जाम देने हैं 3% पढ़ेंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, तो ये प्लीज ये जो बच्चे ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना भाई, जो इस बाहर इस टाइम अफवाह फैला रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, बड़े भाई की एक बात मान लो यार, इस टाइम कंफ्यूज मत करो, क्यों किसी का करियर खराब करने पे लगे हुए हो। ठीक है जी, तो प्लीज कंफ्यूजन पैदा मत करो किसी के माइंड में, जितना आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया पढ़ लिया आपने, इससे बेस्ट नॉलेज किसी के पास नहीं है, इतनी मैं आपको बता रहा हूं, तो प्लीज आपने अपना बेस्ट देना है, कैसे रिवीजन करनी आपको बता दिया, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आपने 10 मिनट यहां पर लगाए, थैंक यू सो मच, आई होप ये 10 मिनट आपके बहुत काम आएंगे कल की रिवीजन क्लास के अंदर, शेयर कर देना, फीडबैक देना, और चलो कमेंट करने का टाइम नहीं, कमेंट मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, बस कल का पेपर आपका बढ़िया होना चाहिए, मैसेज डाउट्स आपने कर देना जैसे भी आपके हैं। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपका हार्डवर्क आपके साथ है, इस बार हमारा रिजल्ट बढ़िया आएगा भगवान की ब्लेसिंग से, पेरेंट्स के पैर छू के जाना, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, पेरेंट्स के पैर छू कर जाना, उनसे बात करके जाना और पॉजिटिव होके जाना एग्जाम में, और भगवान को नमस्कार करके जाना, एग्जाम हमारा बढ़िया होगा। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट,
वंस अगेन चक दे फटे. ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय.